दोस्तों, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन सेगमेंट है उसमें केवल हमें कुछ गिने चुने ब्रांड्स ही देखने मिल पाते हैं। और इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि कोई भी कंपनी अपने कस्टमर्स से ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करके उसके बेस को ख़राब नहीं करना चाहती और सिंपल से रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन इसी में हमें एसस जैसे ब्रांड्स देखने मिलते हैं जो कि बेसिकली फ्लैगशिप भी प्रोवाइड करते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ में। अब इसी में जो उनकी एसस ज़ेनफोन सीरीज़ है जिसमें हमें ZenFone 6 और 6Z जैसे डिवाइसेस देखने मिले थे, वो अपने इनोवेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन के लिए जानी जाती है। फ्लिप मैकेनिज्म वाला कैमरा, फुल स्क्रीन डिस्प्ले और इस तरह के और कई फीचर्स लेकर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया इस ऐसी ब्रांड ने जो कि बेसिकली अपने कस्टमर के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड करती है अपने फैसिलिटीज़ को। अब ऐसे में बात की जाए अगर इनके सक्सेसर यानी अपकमिंग ZenFone 7 और ZenFone 7Z डिवाइस के बारे में, तो कुछ लीक्स हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो सिंपली एंड तक बने रहिएगा। बात की जाए डिस्प्ले की, तो इसमें आपको देखने मिलेगा 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले जो कि 8 मिलियन से भी ज़्यादा कलर्स को सामने लेकर आने वाला है। 84% स्क्रीन टू बॉडी रेशो वाला ये डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन के साथ में आएगा और 90 हर्ट्ज़ के पावरफुल रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा, जो कि अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। 7 नैनोमीटर पे बेस्ड स्नैपड्रैगन 865 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आने वाला ये डिवाइस एड्रीनो 650 जीपीयू के साथ में आएगा और एंड्रॉयड 11 का बीटा वर्जन लेकर आने वाला है, जिसमें आपको ZenUI का 7.1 वर्जन देखने मिलेगा, यानी परफॉर्मेंस में तो हिट है बॉस। बात की जाए कैमरा डिपार्टमेंट की, तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ में एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिल सकता है। वहीं फ्रंट में आपको एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने मिल सकता है। आपका जो डिवाइस है वो अराउंड 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करेगा @35fps, एंड जो कि एक किसी भी डिवाइस के कैमरा के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। एंड पिछली बार की तरह हो सकता है आपको इसमें भी फ्लिप कैमरा मैकेनिज्म देखने मिले, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव चीज हो जाती है। अब लीक्स एंड र्यूमर्स की माने तो जो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो होगी अगस्त एंड में, एंड जिसमें कि ये डिवाइस अपने बेस वेरिएंट के साथ में अराउंड 70,000 के प्राइस पॉइंट पर रिलीज हो सकता है। अब इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि हम जैसी कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन चला जाए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।